अपनी सोच को एक समुद्र की तरह गहरा और शांत रखो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही है जो तुम्हारे व्यक्तित्व का बखान करती है और जो तुम्हारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। क्योंकि अपनी सोच को किसी और के हिसाब से बदलना तो कभी भी सही नहीं होता है। और मैं कभी नहीं कहता हूँ कि तुम अपनी सोच किसी और के हिसाब से बदलो। तुम जो सोचते हो, जैसा सोचते हो, बिल्कुल सही है। और तुम्हारी सोच तो वैसे भी सबसे अलग है। बहुत बखूबी से तुम सोचते हो। और तब तुम अपनी सोच को किसी और के लिए मत बदलो। कोई कुछ भी कहता रहे और कोई कैसा भी कहता रहे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोच सही है तो फिर तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आसपास जल्दी ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हो, तुम्हें पता है। और वो परिवर्तन सकारात्मक भी है और बहुत से लोगों के भले के लिए भी है। और जो लोग तुम्हारे बारे में एक सोच बनाकर बैठे हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम हमेशा बिना मकसद के रहते हो, मैं उन्हें साबित करना चाहता हूँ तुम्हारे माध्यम से कि तुम ऐसे हो जिसके लिए किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व, तो तुम्हारी सोच खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है। तो इसलिए तुम्हारी पहचान बहुत जल्दी निखर कर आने वाली है। और तुम बिना मकसद के नहीं हो, तुम्हारा एक बहुत बड़ा मकसद है। ना ही तुम फालतू हो, तुम बिना किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा काम है। मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा काम सौंपा है और तुम्हें उसे करना है। मानो मैं तुमसे करवाऊंगा भी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि तुम थोड़ा सा आलस में आ जाते हो, तुम थोड़ा सा ढीले हो जाते हो और तुम अपने कामों को पीछे छोड़ने लग जाते हो। मैं फिर कहूँगा कि ऐसा मत करो। एक दिन दो दिन समझ में आते हैं, पर ज़्यादा दिन इतना ज़्यादा काम को नज़रअंदाज करना भी सही नहीं होता है। इसलिए अपने काम को भी ध्यान दो, चाहे थोड़ा समय के लिए ही करो, पर काम रोज करना, लगातार करते रहना, लगातार अभ्यास करो। खुश रहो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।